नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी इंडिया न्यूज 24x7। राजा का ताजपुर राजविलास पैलेस में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ नूरपुर ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। समाज सेवी राशि चौहान ने मुख्य कथावाचक पंडित सौरभ कौशिक का तिलक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रथम दिन का पूजन जसपाल सिंह दिवाकर द्वारा कराया गया। कथावाचक सौरभ कौशिक महाराज ने श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत गीता व श्रीमद् भागवत कथा में अंतर बताया। उन्होंने श्रद्धालुओं पर भागवत कथा के अनमोल प्रवचनों की वर्षा की। कहा कि यदि आप ईश्वर की शरण में आते हो तो सभी उसी की मर्जी से आते हैं। कहा कि सत्संग व सत्कर्म में ही मानव जीवन का कल्याण निहित है। बतौर मुख्य अतिथि आकांक्षा चौहान ने कहा कि कथाएं धार्मिक व आध्यात्मिक क्षेत्र का मार्ग दिखाती हैं, साथ ही मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं से कहा कि कथा का जीवन में अनुसरण करना चाहिए। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान का मातृ शक्ति के रूप में पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया। इस मौके पर समाजसेवी पंडित धनेश्वर शुक्ला, सत्येंद्र कुमार आर्य उर्फ दीपू आर्य, रामोतार सिंह चौहान, कमलजीत सिंह नूर, पूर्व ग्राम प्रधान सुरेश सैनी, पंडित सुरेंद्र शर्मा, पूर्व ग्राम प्रधान अशोक त्यागी, अरुण गिरी, सरवन सिंह, धर्मावतार वर्मा, जितेंद्र आर्य, सत्येंद्र सिंह गुजराल, श्रवण सिंह आदि शामिल रहे।